already we have done in previous video, but today again we will discuss narration. आज भी हम narration ही करेंगे. But why we'll do it again? आज हम क्यों करेंगे? Because in previous video I have discussed only assertive sentences. और हमने basic rule discuss किए थे direct से indirect में change करने वाले. But in today's video I am going to discuss interrogative sentences को कैसे चेंज करते हैं. Interrogative sentences का कैसे चेंज किया जाता है और उनका कन्वर्जन कैसे किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमा दीक्षित एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश पाठशाला बाय दीक्षित मैम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कन्वर्जन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इज चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू ask, inquire and demand. Reporting verb किस में change हो जाता है? Ask, inquire and demand में. जहाँ assertive sentence में किस में change होता है? Told में. If the object is there. अगर verb के बाद में object दे रखा है तो हम told में change करते हैं. Otherwise, say का say ही रहता है. But interrogative sentence में किस में change होता है? Ask, inquire and demand. Second thing what we have to do? Question को किस में change करना होता है? Statement में. Question को change करना होता है statement में. And interrogation के mark, इंटरोगेशन मार्क के प्लेस पे क्या लगाना होता है? फुल स्टॉप. तो ये तो हुई दो बातें कि फर्स्ट कि चेंज करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क, इंक्वायर, डिमांड में. सेकंड थिंग कि क्वेश्चन को चेंज करेंगे स्टेटमेंट में एंड देन वी विल पुट फुल स्टॉप इन प्लेस ऑफ इंटरोगेशन मार्क. अब आते हैं रूल नंबर सेकंड पर. इफ और वेदर इज यूज टू इंट्रोड्यूस रिपोर्टेड स्पीच. इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज करते हैं हम? जहां कनेक्टर दैट का यूज करते थे इसमें असर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज होता है. तो ऐसे ही एक कनेक्टर यहां क्या लगाया जाता है? इफ और वेदर. इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसका लगाया जाता है? इफ और वेदर. इफ द क्वेश्चन बिगिंस विद द हेल्पिंग वर्ब. अगर क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या फिर यस नो से. हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? जैसे डू, डज, डिड, वाज, वर, हैज, हैव, will, shall, had, ये क्या है? Helping verb. As well as modal auxiliaries भी helping verb में ही आते हैं, like can, could, may, might, shall, should, ये भी modal auxiliaries भी helping verb में ही आते हैं. So in that case हमारा अगर question किससे शुरू हो रहा है? Helping verb से शुरू हो रहा है या फिर yes या no में है question, in that case हम किसका use करेंगे character? If or whether का. So let's see with the help of example. अब एक example की help से समझते हैं. He said to her, Shall I accompany you to Delhi? और first of all यहां देखिए reporting verb को. बाकी के rules as it is रहेंगे, बाकी rules में कोई change नहीं होगा. Like जो हमने rules discuss किए थे, tense related है, pronoun से related है या फिर distance से related है, वो words as it ही रहेंगे, बाकी rules सारे as it is रहेंगे. He said to her. अब यहां said की जगह पे क्या हो जाएगा? He asked. अब यहां that नहीं आएगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है. सो दैट्स व्हाई यू विल यूज इफ और वेदर. ही आस्क्ड हर, शैल आई अकंपनी यू टू दिल्ली. अब यहां क्वेश्चन है सो दैट्स व्हाई वी विल चेंज इट इनटू स्टेटमेंट. हम किसमें चेंज करेंगे? स्टेटमेंट में. तो यहां शैल सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, सो दैट्स व्हाई यहां पे सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा क्योंकि यहां पे हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं. He asked her if he would, हम would भी लिख सकते हैं और should भी लिख सकते हैं यहां पर. If he would accompany you है तो क्या हो जाएगा यहां पर? Her, accompany her to Delhi. Sorry. अब यहां इंटरव्यूशन मार्क हट जाएगा एंड वी हैव टू पुट फुल स्टॉप. क्लियर? ही सेड टू अस. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. ही सेड टू अस, हैज सी बीन स्पिनिंग सिंस यस्टरडे. अगेन सेम प्रोसेस, वी विल चेंज इट इन टू asked. He asked us. He asked us.
अगेन यहाँ पर स्टेटमेंट सॉरी क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट में चेंज करेंगे. स्टेटमेंट में चेंज करने का क्या है, सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा. ही आस्क्ड अस, थर्ड पर्सन है यहाँ पर, सो इट विल नॉट चेंज. और टेंस कौन सा है, हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सो दैट्स व्हाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा. ही आस्क्ड अस इफ शी हैज का हो जाएगा हैड been spinning since. अब यहाँ yesterday है तो हमने discuss किया था कि the days, the words which are expressing nearness, जो words nearness express करते हैं while changing into indirect, जब indirect में change करते हैं तो किसने change हो जाते हैं, the words which expressing distance. तो यहाँ yesterday का क्या हो जाएगा, यहाँ पर previous day, spinning since previous day, and then full stop. Next third देखते हैं. He said to them, "Were you not scolding your sons?" Again he asked. He asked them if they past indefinite past continuous tense है, so that's why it will change into past perfect continuous. If they had not been scolding their sons, then full stop. Take a screenshot. You said to her, "Will you have ironed your clothes?" अभी इससे पहले भी जब हमने examples किए हैं, तो यहाँ imported speech आपने देखा होगा, कभी किससे start हो रहा, helping verb से. And this example of also helping verb. इस example में भी क्या है, helping verb से ही शुरू हो रहा है हमारा imported speech. So let's see, you said to her, किसमें change हो जाएगा? You asked her, conjunction यहाँ क्या आएगा, if or whether, whether you asked her whether. अब यहाँ देखिए, will you have ironed your clothes, तो first interrogative है, हम किसमें change करेंगे, statement में change करेंगे. whether you second person pronoun है, second person pronoun किसके according change होते हैं, according to the object. so object यहाँ पे क्या है, her. you asked her whether she will का हो जाएगा would, she would have ironed, your का हो जाएगा यहां पर her clothes, and then full stop. next example देखते हैं. I said to him, did you enjoy the film? he said, no sir. अभी तक आपने किया था कि reported speech starting with the हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले. ये एग्जाम्पल सभी तक हमने किए थे, हेल्पिंग वर्ब से जहाँ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है. वही यहाँ क्या है, नेगेटिव, यस और नो वाला. लेट्स सी, आई आस्क्ड हिम, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, यही तरीका रहेगा. इफ, अब यहाँ देखिए फर्स्ट टेंस देखिए, डिड यू एंजॉय द फिल्म, तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ क्या चेंज हो जाएगा. और फिर यहाँ देखिए, फर्स्ट हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में चेंज करेंगे. इसके लिए क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट चाहिए. इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमारा यू है. अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सो विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हिम. तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही. इफ ही had, क्योंकि past indefinite है तो perfect में change होगा. if he had enjoyed, if he had enjoyed the film, if he had, then full stop. अब यहाँ है he said no sir. अब इसका हम क्या करेंगे, no sir, yes sir, इसको कैसे लिखेंगे.
इस तरह के जब स्टेटमेंट आते हैं यस और नो वाले, तो हम वहां रेस्पेक्टफुली, यहाँ क्या लिखेंगे, ही रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली इन नेगेटिव, या फिर ही रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली इन पॉजिटिव, इस तरीके से हम फ्रेज डाल सकते हैं यहाँ पर. ही रिप्लाइड, फुल स्टॉप है यहाँ पर. Respectfully in negative, then full stop. Next देखते हैं. He said to me, "Does Mohan still play?" I said, "Yes, sir." Reporting verb यही रहेगा. He said का asked हो जाएगा. He asked me. Whether subject क्या है, मोहन है. Whether मोहन still played. अब यहां I said yes sir, यहां पर भी हम यही tactic लगाएंगे. He replied, he नहीं होगा यहां होगा I है, क्योंकि I said, I replied respectfully in, yes sir है तो in positive. अब देखते हैं हम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू मॉडल एक्सिलरीज की. अगर मॉडल एक्सिलरीज से हमारा रिपोर्टिंग वर्ब शुरू हो रहा है, देन व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है हमें. आई सेड टू हर, कुड यू गिव मी योर नोट्स. लेट्स सी, आई आस्क्ड हर इफ, फर्स्ट यहां देखिए ये इंटरोगेटिव है, तो फर्स्ट तो हमें स्टेटमेंट में इसको चेंज करना है. फर्स्ट यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ यू है और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सो दैट्स व्हाई विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है हर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इफ शी कोड इफ शी कोड गिव मी her notes, then full stop. Next, they said, shall we go now to cinema? They asked if we have. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सो दैट्स व्हाई यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ दे है, दे आस्क्ड इफ दे शुड गो. नाउ का क्या हो जाएगा यहाँ पर, देन go to cinema. Take a screenshot. Next देखते हैं rule number third. अब rule number third क्या कहता है, no conjunction is used to introduce reported speech if the reported speech begins with the WH words. कि किसी भी conjunction की requirement नहीं है, किसी भी conjunction की जरूरत नहीं है. कब जरूरत नहीं है, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो रहा है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद द डब्ल्यू एच वर्ड्स. अब डब्ल्यू एच वर्ड्स कौन से होते हैं, लाइक हु, हूम, हूज, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स. अगर रिपोर्टेड स्पीच इन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो किसी भी कंजक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है. गाइस डरने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी, बहुत ही इजी है. सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, ओनली जो बेसिक रूल्स हैं हम आगे सीखते जा रहे हैं. इट डजेंट मीन कि वी विल फॉरगेट प्रीवियस वन. आगे हम सीख रहे हैं, लेकिन हमें पहले की चीजों को भूलना नहीं है. हमें बेसिक रूल्स को इम्प्लीमेंट करते जाना स्टेप बाय स्टेप. लाइक फर्स्ट आइडेंटिफाई द टेंस, आप टेंस आइडेंटिफाई करिए, देन प्रोनाउन का यूज देखिए कि प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है.
या फिर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड थर्ड पर्सन विल नॉट चेंज. ये चीजें आपको ध्यान रखेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा. तो डोंट यू वरी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ही सेड टू मी, हुम डज शी वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट. रिपोर्टिंग वर्ब में तो यहाँ कुछ नहीं, आपका सेड का आस में चेंज हो जाएगा. यहाँ टेंस देख लेते हैं. टेंस क्या है यहाँ पर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. हुम डज शी वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट. सो इट विल चेंज इन टू पास्ट टेंस. ही आस्क्ड मी, कंजंक्शन सिर्फ यहां पर होम ही आएगा. ही आस्क्ड मी होम शी पास्ट टेंस में तो वॉन्टेड हो जाएगा. होम शी वॉन्टेड टू कॉन्टेक्ट. बहुत ही ईजी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे सेड टू हर हूज हाउस आर यू परचेजिंग. फर्स्ट टेंस देखते हैं यहां पर. टेंस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा. दे सेड, सॉरी, दे आस्क्ड हर हूज हाउस. अब यहां प्रोनाउन देख लेते हैं. प्रोनाउन क्या है? यू है. तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हर. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? शी. हूज हाउस शी वॉज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. शी वॉज परचेजिंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू हर व्हाट शैल आई बी ऑफरिंग यू विथ टी. ही asked her what shall, का क्या हो जाएगा? should या फिर would. सब्जेक्ट प्रोनाउन देख लेते हैं यहां पर. फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो यहां क्या हो जाएगा? ही. what he would be offering, यहां यू है तो किसके लिए हो रहा? तो हर हो जाएगा. ऑफरिंग हर विद टी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड टू मी व्हाई वर यू हाइडिंग टुडे. शी आस्क्ड मी व्हाई. टेंस देखिए यहाँ पहले. टेंस देखिए, टेंस कौन सा है यहाँ पर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा. शी आस्क्ड मी, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है यहाँ पर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा. शी आस्क्ड मी व्हाई यू, प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो मी का यहाँ मी है तो यहाँ हो जाएगा आई. वाई आई हैड बीन, वाई आई हैड बीन हाइडिंग. अब टुडे है तो टुडे किस पे चेंज हो जाएगा? दैट डे में. हाइडिंग दैट डे. तो गाइस, रूल नंबर थर्ड हमने डिस्कस किया कि रिपोर्टेड, इफ नो कंजंक्शन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस रिपोर्टेड स्पीच, इन केस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद द डब्ल्यूएच वर्ड. डब्ल्यूएच वर्ड से जब शुरू होता है तो वहां पे वो डब्ल्यूएच वर्ड्स ही किसका काम करते हैं? कंजंक्शन का काम करते हैं. सारे एग्जाम्पल्स के हेल्प से आई थिंक आपको समझ आ गया. अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट रूल है मस्ट से रिलेटेड. लेट्स सी. If must expresses necessity or compulsion at the time of speaking, must क्या express कर रहा है? Necessity and compulsion at the time of speaking. बोलते time necessity and compulsion express कर रहा है, then it will change into had to. किसमें change हो जाएगा? Had to में. But in case of future, it will change into would have to. But
फ्यूचर में जब बात हो रही है नेसेसिटी एंड कंपल्सन की, इन दैट केस किस में चेंज हो जाएगा? वुड हैव टू में. एंड इट ऑल्सो रिमेन अनचेंज. अब अनचेंज कहाँ रहता है? जब कहीं प्रोहिबिशन की, मतलब किसी चीज की मनाही की जाती है, प्रोहिबिशन की बात होती है, तब वहां पर क्या होता है? अनचेंज रहता है इन केस ऑफ प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन के केस में कैसा रहता है? अनचेंज. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. शी आस्क्ड मी ही होगा यहां पर. शी आस्क्ड मी इफ, अब यहां देखिए, ऑफकोर्स ये टेंस तो कौन सा है? पास्ट टेंस है. मस्ट का यूज पास्ट टेंस में ही होता है. वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अब सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है हमारा? थर्ड पर्सन प्रोनाउन शी. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे वी का क्या हो जाएगा? दे. इफ दे हैड टू रेड, नाउ का क्या हो जाएगा? Then full stop. Next, he said to me, must I leave the Mumbai tomorrow? He asked me whether, pronoun देख लेते हैं यहां पर, first person है और यहां है reporting verb में क्या है? Third person pronoun. So यहां भी he हो जाएगा. Whether he had to leave to Mumbai. अब यहां tomorrow है तो tomorrow का क्या हो जाएगा? The next day. Tomorrow the next day. अब यहां third example थोड़ा अलग है. I said to him, नीड आई गो टू हिम. इन केस ऑफ नीड, जहां नीड यूज होता है तो नीड के साथ भी किसका यूज होता है? हैड टू का यूज होता है. आई आस्क्ड हिम इफ आई हैड टू go to him. तो अभी आपने क्या देखा? यूज ऑफ मस्ट. मस्ट का यूज जब हम इसमें चेंज करते हैं तो किस तरीके से किया जाता है? टेक अ स्क्रीनशॉट. गाइस, ये वीडियो मैंने स्पेशली 9th एंड 10th क्लास को टारगेट करके बनाया है, क्योंकि 6th टू 8th क्लास में जो डायरेक्ट इंडेक्स पूछे जाते हैं, जो बेसिक्स होते हैं, मींस असर्टिव सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, बट 9th-10th में इम्परेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं ये पूछा जाता है. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ डिड देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. स्पेशली आपके जो 9th-10th क्लास में पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं, आप उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए. थैंक यू.